दोस्तों मैं अभी टास्क फोर लिया यूट्यूब पे एक वीडियो और लेके आया हूँ। अभी अभी जस्ट मैंने जोकोविच के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। इस बार पोस्ट में जाने से लेके आया हूँ। बार्सिलोना ओपन का भी फाइनल था, ATP 500। बार्सिलोना ओपन में देखा जाए राफा नदाल चैंपियन रहते थे बहुत देर तक, बट इस बार राफा नदाल खेले नहीं थे और लग रहा था कि स्टेफनोस सिसिपास अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि काफ़ी बार वो फाइनल में पहुंचे थे बट वो नदाल से हार जाते थे। इस बार सिसिपास ही बाहर हो गए थे और जिन्होंने बाहर किया था वो था कार्लोस अल्कराज। फ्यूचर प्लेयर माने जा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, खासकर क्ले में तो स्पेन के खिलाड़ी बादशाह होते ही हैं नो डाउट। और देखा जाए बार्सिलोना ओपन के फाइनल में भी क्ले के प्लेयर ही पहुंचे, स्पेन के प्लेयर ही पहुंचे। पैब्लो कैनो पूछता वो भी स्पेन के प्लेयर है और दूसरे जो स्पेन के प्लेयर पहुंचे वो कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने सीसी पास तो हराया था, वो फेवरेट माने जा रहे थे और फेवरेट ही रही क्योंकि वो अंत में जीत गए ATP 500 का टाइटल। अब उसी के रिगार्डिंग पोस्ट में जाने से लेके आया हूँ दोस्तों कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले, यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन पर जाके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि सारे की सारी अपडेट्स दोस्तों आप सबको मिल सके। अब बढ़ते हैं वीडियो के पोस्ट में जाने से। इसके पहले सेट की ओर, जो पहला सेट हुआ शुरू में तो अच्छा रहा क्योंकि सर्व इस बार थी पैब्लो कैनो बूसा की, अपनी सर्व पे होल्ड रखा। फिर दूसरी ओर जब कार्लोस ने अपनी सर्व पे होल्ड रखा फिर 1-1, 2-2 हुआ। उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने उनकी सर्व भी तोड़ी, अपनी सर्व पे होल्ड रखा। फिर एक बार सर्व और तोड़ी, अपनी सर्व पे होल्ड रखा और पैब्लो कैनो बूसा की 2 बार सर्व तोड़ दी। और दूसरी ओर पैब्लो कैनो बूसा की पहली सर्व थी इस बार तो वो सेट हार गए 3-6 और कार्लोस अल्कराज जीत गए 6-3। अब लग रहा था कि सेकंड सेट में कि कार्लोस अल्कराज फिनिश कर देंगे और जैसा लग रहा था वैसा ही हुआ। ये नहीं कि हम इसका मतलब है कि पैब्लो कैनो बूसा अच्छे प्लेयर नहीं है, उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था जो ब्रोंज मेडल का मैच हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो वो वाले प्लेयर को टक्कर मारना कोई छोटी बात नहीं है। मगर कार्लोस अल्कराज की फॉर्म इस बार थोड़ी ज़्यादा अच्छी है एज कंपेरिजन टू पैब्लो कैनो बूसा, इसलिए पैब्लो कैनो बूसा के आगे फेवरेट जो लग रहे थे वो लग रहे थे कार्लोस, और कार्लोस ने और ज़्यादा शानदार प्रदर्शन किया। इस बार सर्व उनकी थी, उन्होंने लास्ट में 2 बार सर्व ब्रेक की इस बार भी और 6-2 से ये वाला सेट भी जीता। 2 सेट लगातार जीत लिए, 2 स्टेट सेट में विक्ट्री हासिल की। इस बार देखा जाए एसीज कोई ज़्यादा मिले नहीं है, 2 एसीज और पैब्लो कैनो बूसा को तो कोई एस नहीं मिला और ATP 500 टाइटल जीतने के साथ देखा जाए ये उनकी सेकंड टाइटल है। अब वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कार्लोस, और कार्लोस से अब जैसा वो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे रोलैंड गैरोस में बहुत बड़ी लोगों को अपेक्षाएं होंगी कि वो अच्छा प्रदर्शन करे और एटलीस्ट वो सेमीफाइनल में जगह बनाए। दोस्तों आपका क्या लगता है कि वो अगले टूर्नामेंट में कहां तक जाएंगे, आप अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो और ढेर सारा प्यार देते रहना दोस्तों। धन्यवाद।